स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लिबरलाइट पर आज हम पढ़ने वाले हैं सीअर्स लिस्ट के बारे में सीयर्स लिस्ट का यूज़ किया जाता है कैटलॉगिंग के, तो के वक्त सब्जेक्ट हेडिंग को फाइंड आउट करने के लिए और इसे तैयार किया गया था 1923 में मिनी अर्ल सीर्स द्वारा हालांकि उससे पहले भी कुछ ऐसी सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट यूज़ की जाती थी जिनका यूज लाइब्रेरीज में किया जाता था लेकिन वो ऐसी लिस्ट होती थी जो बड़ी लाइब्रेरी के लिए तो यूज़फुल थी लेकिन छोटी लाइब्रेरीज़ के लिए उतना यूज़फुल नहीं थी क्योंकि वो काफ़ी ब्रॉड हुआ करती थी ठीक है ऐसे में मिनी के दिमाग में ये ख्याल आया कि कोई ऐसी लिस्ट होनी चाहिए जो छोटी लाइब्रेरीज़ के लिए भी यूज़फुल हो इसीलिए मिनी अर्ल सीअर्स ने सीयर्स लिस्ट को तैयार किया जिसके जरिए सब्जेक्ट हेडिंग को फाइंड आउट किया जाता है और जो छोटी लाइब्रेरीज़ के लिए काफ़ी यूज़फुल है इसका नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है सीयर्स लिस्ट ओके तो बात करते हैं कि सब्जेक्ट हैडिंग क्या होती है जब आपने कैटलॉगिंग की होगी ए सी आर टू आर के कार्ड्स बनाए होंगे तब आपने देखा होगा कि हम एक एंट्री करते हैं सब्जेक्ट हैडिंग की और उसकी एक एडिट एंट्री भी हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट हेडिंग काम करती है एज अ सब्जेक्ट कैटलॉग अगर आपने पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा कि कैटलॉगिंग के, के अलग अलग टाइप्स होते हैं जैसे ऑथर कैटलॉग, सब्जेक्ट कैटलॉग, टाइटल कैटलॉग। तो सब्जेक्ट कैटलॉग में जिस तरीके से हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम अपना कोई भी मटेरियल या फिर बुक फाइंड आउट करते हैं उसी तरह से ए सी आर टू आर के कार्ड में सब्जेक्ट हेडिंग की एंट्री करने से किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल को फाइंड आउट करना आसान हो जाता है फॉर एग्जांपल, अगर किसी यूज़र को किसी बुक का टाइटल या ऑथर नहीं मालूम है तो ऐसे में उस इंसान को मालूम होगा कि उसे किस सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल चाहिए या बुक चाहिए ऐसे में सब्जेक्ट हेडिंग हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होती है अगर हम बात करें कि किसी को लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड कोई बुक चाहिए लेकिन उस यूज़र को नहीं मालूम है कोई भी टाइटल कोई भी ऑथर तो हम सब्जेक्ट हेडिंग के अकॉर्डिंग उसके अंदर जितनी भी बुक्स रिलाई करती हैं वो हम यूज़र को बता सकते हैं और बुक प्रोवाइड कर सकते हैं राइट right? तो इस तरीके से सब्जेक्ट हैडिंग एज ए सब्जेक्ट कैटलॉग काम करती है और लाइब्रेरी में यूज़र्स के लिए एज वेल एज़ स्टाफ के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है तो देखते हैं किस तरीके से सी लिस्ट में सब्जेक्ट हेडिंग को फाइंड आउट किया जाता है ठीक है ये देखिए ये है हमारा दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर जो कि टू टू सेवन का सेकेंड पार्ट है जिसमें हमें एंट्रीज करनी है ए सी आर के कार्स की आप यहाँ देखेंगे दिया गया है हमारा फर्स्ट टाइटल जो कि है प्लाज्मा फिजिक्स एंड फ्यूजन प्लाज्मा इलेक्ट्रोडाइनमिक्स इसी के बेस पर हमें फाइंड आउट करनी होती है हमारी सब्जेक्ट हेडिंग तो आप यहाँ देखेंगे जो हमारा टाइटल है वो रिलेटेड है फ़िजिक्स से ठीक है आप नीचे देखेंगे तो आपको जो नंबर दिखाई देगा कॉल नंबर वो दिया गया है फाइव थ्री जीरो डॉट फोर तो हमें जो नंबर फाइंड आउट करना है सीरियस लिस्ट में वो फिज़िक्स से रिलेटेड होना चाहिए और उसके जो स्टार्टिंग के डिजिट हैं वो मैच करने चाहिए इससे एट स्टार्टिंग के तीन डिजिट मैच होने चाहिए ओके okay. तो चलते हैं सीयर्स लिस्ट में ये देखिए ये हमारे शीर्ष लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग हम इसे आगे देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कंटेंट्स ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी सब्जेक्ट हेडिंग्स और ये कुछ इस प्रकार से है जिस प्रकार से हमारा रिलेटिव इंडेक्स होता है जो कि अल्फाबेटिकल दिया गया है और उसके आगे नंबर दिए जाते हैं ठीक है थीके? रिलेटिव इंडेक्स में आपने अक्सर हर की देखी होगी किसी एक क्लास के अंदर दूसरी सब क्लास के रूप में कुछ उसी प्रकार से हम देखते हैं सीरस लिस्ट में लेकिन यहाँ हमारे सिर्फ एक ही मेन हेडिंग होती है जिसे हमें लेना होता है ठीक है आप यहाँ देखेंगे तो लिखा है एवरी वीसन ये हमारी सब्जेक्ट हेडिंग है जिसका नंबर है फोर वन वन इसके नीचे भी कुछ टर्म्स दिए गए हैं लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि इनका मतलब क्या होता है तो आप थोड़ा पहले जाएंगी तो आपको दिखाई देगा यहाँ सेल्स लिस्ट में यू एफ का मतलब होता है यूज्ड फॉर एस ए का मतलब होता है सी ऑल्सो बी टी का मतलब होता है ब्रॉडर टर्म एन टी का मतलब होता है नैरो टर्म आर टी का मतलब होता है रिलेटेड टर्म इनका मतलब क्या होता है ये अभी हम सीखेंगे आगे ठीक है आप यहाँ देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है एबिलिटी नंबर है वन फाइव थ्री डॉट नाइन ठीक है यहाँ लिखा है यू एफ यू एफ मतलब यूज फोर इसका मतलब कि जो एबिलिटी वर्ड है वो हम एबिलिटीज़ एप्टीट्यूड स्किल स्किल्स टैलेंट टैलेंट्स इन सब के लिए एक शब्द हमने यूज़ किया है वो है हमारा एबिलिटी ठीक है अगर हम इनमें से कोई भी शब्द फाइंड आउट कर रहे हैं लेकिन वो हमें डायरेक्ट नहीं मिलता है और हमें एबिलिटी मिल जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे शब्द एबिलिटी को ही एक तरीके से डिनोट कर रहे हैं ठीक है थीके? यहाँ ऐसे लिखा है मतलब सी ऑल्सो एंटी में आप देखेंगे तो क्रिएटिव एबिलिटी एग्जीक्यूटिव एबिलिटी लीडरशिप मतलब ये शब्द भी जो हैं ये रिलेटेड हैं एबिलिटी से लेकिन इनका जो मतलब है वो थोड़ा नैरो है वो उतना डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड है ठीक है आप इन शब्दों के लिए भी एबिलिटी यूज़ कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट हेडिंग जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अकाउंटिंग का अकाउंटिंग का जो नंबर है सब्जेक्ट हेडिंग का वो है सिक्स फाइव सेवन ठीक है यहाँ लिखा है यू एफ जिसका मतलब होता है यूज टू फोर और उसके सामने लिखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ठीक है इसका मतलब कि जो ये अकाउंटिंग सब्जेक्ट हेडिंग है ये यूज़ की गई है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए ठीक है नीचे है एस ए मतलब सी ऑल्सो टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोफेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन विद द सब डिविजन अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ चाहिए तो आप इन हेडिंग्स को भी देख सकते हैं बी टी ब्रॉडर टर्म अकाउंटिंग से रिलेटेड और भी हमारे पास टर्म्स हैं जैसे कि बिजनेस बिजनेस एडुकेशन बिजनेस मैथमेटिक्स ये टर्म्स भी ब्रॉडर फॉर्म में रिलेट करते हैं अकाउंटिंग से ठीक है नैरो फॉर्म में भी कुछ टर्म्स हैं जैसे कि कॉर्पोरेशन अकाउंटिंग कोस्ट अकाउंटिंग कुछ और टर्म्स हैं जो कि रिलेटेड फॉर्म में हैं जैसे कि अकाउंटेंट्स तो इस तरीके से इनका यूज़ होता है लेकिन इन सब के लिए हमें जो हेडिंग लेनी होगी सब्जेक्ट हेडिंग लेनी होगी वो लेनी होगी अकाउंटिंग और उसका नंबर लेना होगा सिक्स फाइव सेवन ठीक है हम ये नंबर नहीं लेंगे हम सब्जेक्ट हेडिंग ये वाली लेंगे और उसका नंबर लेंगे सिक्स फाइव सेवन तो अब चलते हैं हमारे टाइटल पर जो कि था प्लाज्मा फिज़िक्स तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये अल्फ़ाबेटिकल दिया गया है तो हम जाएंगे पी अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाली क्लास में ठीक है और उसमें ढूंढेंगे फिजिक्स ये देखिए ये हम पीएच पर आ गए हैं आप यहाँ देखेंगे तो दिया है फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी नीचे दिया है फिज़िकल केमिस्ट्री और आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा फ़िजिक्स का नंबर जो कि है फाइव थ्री जीरो हमारा जो टाइटल है उसमें जो कॉल नंबर दिया गया है वो दिया गया है फाइव थ्री जीरो डॉट फोर टू या फोर ठीक है तो कम से कम ये हमारा तीन डिजिट का नंबर मैच कर रहा है इसलिए हम एज अ सब्जेक्ट हेडिंग इसे ले सकते हैं ठीक है दूसरा टाइटल है हमारा द इकोनॉमिक्स ऑफ फैमिली हाउ द हाउस होल्ड मार्केट एंड इकोनॉमिक्स ग्रोथ हम इसका कॉल नंबर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा दिया है थ्री जीरो सिक्स डॉट एट फाइव जीरो नाइन सेवन थ्री ठीक है डीडीसी में थ्री जीरो सिक्स से रिलेटेड है हमारी क्लास थ्री जीरो जीरो सोशल साइंस से और आप टाइटल देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इसका मतलब है द इकोनॉमिक्स ऑफ द फैमिली यहाँ हमारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए फैमिली पर इसलिए जो शब्द हम ढूँढेंगे वो ढूँढेंगे फैमिली को और उसके आगे जो नंबर होना चाहिए वो मैच करना चाहिए हमारे कॉल नंबर थ्री ज़ीरो सिक्स से ठीक है कम से कम तीन डिजिट ज़्यादा से ज़्यादा पूरा भी हो सकता है या फिर पाँच छः सात जितना भी डिजिट है उतना भी हो सकता है ठीक है तो हम चलते हैं शीर्ष लिस्ट में उसमें देखेंगे फैमिली ये देखिए ये है हमारा एफ़ अल्फाबेट और आप नीचे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर फैमिली लिखा हुआ जिसका नंबर है थ्री ज़ीरो सिक्स एट फाइव तो ये हमारे कॉल नंबर से मैच करता है इसलिए हम अपनी सब्जेक्ट हेडिंग के लिए ये नंबर ले सकते हैं ठीक है तो हमारी सब्जेक्ट हेडिंग हो जाएगी हमारे टाइटल की फैमिली ये हमारा नेक्स्ट टाइटल टाइटल नंबर थ्री दिया है एडवांस्ड मटेरियल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेकेंड सिलेक्टेड पीयर रिव्यूड पेपर फ्रॉम द टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवांस्ड मटेरियल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तो यहाँ जो हमारा फोकस है वो हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पर और आप यहाँ देखेंगे कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई है वो हुई है एडवांस्ड मटेरियल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मतलब आ, हमारा जो मटेरियल है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उस पर तो जो शब्द हम सीध लिस्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं वो तीन हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और फोर्थ है हमारा मटेरियल्स ठीक है यहाँ आप कॉल नंबर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा सिक्स टू ज़ीरो डॉट वन वन टू नाइन नाइन तीन डिजिट कम से कम मैच होना चाहिए ज़्यादा हो जाए तो बेटर है नहीं होता है तो हम सब्जेक्ट हेडिंग को ले सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम जाएंगे इंजीनियरिंग में ये देखिए ये हमारा इंजीनियरिंग और नंबर है सिक्स टू जीरो तो ये हमारा तीन डिजिट कम से कम मैच हो गया है ये हम सब्जेक्ट हेडिंग ले सकते हैं लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को कॉल नंबर से मैच करें इसलिए हम अपना दूसरा वर्ड ढूंढेंगे टेक्नोलॉजी को ठीक है ये हमारे टेक्नोलॉजी और यहाँ नंबर है सिक्स जीरो ज़ीरो तो ये तो तीन डिजिट नंबर भी मैच नहीं कर रहा है तो ये तो हम डेफिनेटली नहीं ले सकते हैं लास्ट टर्म हमारे पास बचा है मटेरियल्स तो चलते हैं मटेरियल्स की क्लास में ये देखिए ये हम एम अल्फाबेट पर आ गए हैं और आप यहाँ देखेंगे लिखा है Material कल्चर materialism और आप यहाँ देखेंगे आपको नंबर दिखाई देगा मटेरियल्स नंबर है सिक्स टू जीरो डॉट वन तो ये नंबर हमारा कॉल नंबर से मैच करता है और बाकी दोनों शब्द से ज़्यादा मैच करता है इसलिए हम इसे लेंगे हमारी एज अ सब्जेक्ट हेडिंग ठीक है तो हमारी सब्जेक्ट हेडिंग हो जाएगी मटेरियल्स नेक्स्ट टाइटल है हमारा टाइटल नंबर फोर जो कि है लर्निंग स्टाइल्स एंड लर्निंग आ की टू मीटिंग द अकाउंटेबिलिटी डिमांड्स इन एजुकेशन कॉल नंबर दिया है हमारा थ्री सेवन जीरो डॉट वन फाइव टू थ्री थ्री सेवन जीरो हमारा होता है एजुकेशन का नंबर और आप यहाँ देखेंगे हमारा टाइटल जो कि ऑल्सो रिलेटेड है एजुकेशन से ठीक है लर्निंग एंड एजुकेशन तो हम फाइंड आउट करेंगे एजुकेशन को फर्स्ट एंड देन देखेंगे लर्निंग को अगर हमारा जो नंबर है वो हमारे कॉल नंबर से मैच नहीं करता है ठीक है तो कॉल नंबर है हमारा थ्री सेवन जीरो डॉट वन फाइव टू थ्री चलते हैं सी लिस्ट में ये देखिए ये दिया है हमारा एजुकेशन थ्री सेवन जीरो तो ये हम सब्जेक्ट हेडिंग ले सकते हैं हम आगे देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा एजुकेशन एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स नंबर है थ्री सेवन जीरो डॉट वन वन हम इसे भी ले सकते हैं क्योंकि ये हमारा एक ज्यादा डिजिट मैच करता है देन प्रीवियस वन और आप यहां देखेंगे तो आपको दिखाई देगा थ्री सेवन जीरो डॉट वन फाइव ठीक है जो कि सबसे ज्यादा मैच करता हमारे कॉल नंबर से इसलिए हमारी सब्जेक्ट हेडिंग हो जाएगी एजुकेशनल साइकोलॉजी इस तरीके से नंबर को देखा जाता है जब मैंने आपको नंबर फाइंड आउट करके दिखाया तो उसके बाद मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस देखी जो कि एजुकेशन से ही रिलेटेड हैं और आप नंबर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा थ्री सेवन जीरो डोट सिक्स थ्री सेवन जीरो थ्री सेवन जीरो डोट सेवन तो कहीं ना कहीं हमारे तीन डिजिट तो मैच कर ही रहे हैं उसके अलावा भी कुछ ना कुछ मैच कर रहा है कम या ज़्यादा इस प्रकार से हम सीरस लिस्ट में जब हम अपना सब्जेक्ट हेडिंग ढूंढते हैं तो वो पर्टिकुलर वर्ड जब तक फिनिश नहीं हो जाता है तब तक हम देख सकते हैं क्योंकि सीरस लिस्ट बहुत बड़ी नहीं है तो ऐसा कोई टाइम कंज्यूमिंग ये बिल्कुल नहीं होगा ठीक है चार पांच पेज ज़्यादा से ज़्यादा या दो तीन पेज में ही आपका काम हो जाएगा या फिर हो सकता है कि उससे उस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्लास हो ही ना तो थोड़ा टाइम दीजिए आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी और आप बखूबी सेल्स लिस्ट का यूज़ करना सीख जाएंगे नेक्स्ट टाइटल है हमारा टाइटल नंबर फाइव जो कि है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और इसका कॉल नंबर दिया है सिक्स सेवन ज़ीरो सिक्स जीरो ज़ीरो होता है हमारा टेक्नोलॉजी का मेन क्लास और यहाँ टाइटल है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तो एक ही वर्ड है हमारे पास मैन्युफैक्चर का तो मैन्युफैक्चर को लेकर हम जाएंगे सेल्स लिस्ट में ये देखिए ये हमारा मैन्युफैक्चरर्स लेकिन हमारे यहाँ कॉल नंबर मैच नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली हम इन्हें नहीं ले सकते ये हमारा मैन्युफैक्चर दिया है और जिसका नंबर है थ्री थ्री एट डोट फोर और दूसरा नंबर है सिक्स सेवन जीरो तो ये नंबर हमारा मैच करता है इसलिए ये हमारी हो जाएगी सब्जेक्ट हेडिंग हमारे टाइटल की ठीक है और ये नंबर पूरी तरीके से मैच करता है इसलिए हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है इसी को हम बनाएंगे हमारा सब्जेक्ट हेडिंग ठीक है तो इस तरीके से सील्स लिस्ट का यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट हेडिंग को फाइंड आउट करने के लिए जो कि रिलेटेड है डीडीसी से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जैसे कि हमने देखा जो कॉल नंबर बने हुए हैं टाइटल में वो डीडीसी से रिलेटेड है और यहाँ जो सब्जेक्ट हेडिंग दी गई है उसके सामने जो नंबर लिखे हैं वो भी रिलेटेड हैं डीडीसी से ठीक है तो इस तरीके से सेल्स लिस्ट को यूज़ करना है एग्जाम्स में इसके अलावा ये कुछ टाइटल्स हैं जिनके नंबर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं सर्स लिस्ट की हेल्प से अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपको इसके आंसर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में और ये टाइटल्स हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो कि डीडीसी से रिलेटेड होने वाली हैं उसके टाइटल्स हैं ठीक है ये पेपर है हमारा दिसंबर 2019 का डीडीसी का ठीक है तो आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए थैंक यू अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा खुश रहिए हंसते रहिए और पढ़ते रहिए